हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप अपने अपने घरों में सभी ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे एंड हैप्पी। तो आज हम वैक्सीन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सिंपली वैक्सीन को कैसे बुक करना है एंड भाई वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कैसे करें एंड वैक्सीन को जल्दी से जल्दी कैसे बुक करें, ये सब कुछ बात करने वाले हैं। क्योंकि वैक्सीन बहुत जल्दी बुक हो जाता है, पता नहीं लग पाता कि क्या टाइमिंग होता है। तो वो सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और मेनली कि लोग बाग वैक्सीन करने बुक करने जाते हैं और वो बताता है बुक्ड एंड, तो पता लगता है कि बुकिंग का टाइमिंग ही क्या है। तो उन चीज़ों पर हम सब पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे पहले स्टेप रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, और उसके बाद हम जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम बुक स्टेप रखेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे लें, वैक्सीन डोज के लिए कैसे बुक करें एंड, और इसके बाद हम थर्ड स्टेप में टाइमिंग को बचाने का प्रोसेस बीच बीच में बात करते रहेंगे। तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा और जल्दी आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस पर आगे ज़्यादा और डिस्कशन नहीं रखना चाहता। बहुत लंबा डिस्कशन है पर मैं छोटा रखूँगा। तो हम सिंपली गूगल पे डालेंगे कोविन। तो मैं कोविन से बुक कर रहा हूँ आपके लिए, मतलब एक वीडियो बना रहा हूँ कोविन पर। तो आप आरोग्य सेतु ऐप से भी वैक्सीन बुक कर सकते हैं। अमंग ऐप है उससे भी, अमंग सॉरी अमंग भी है उससे भी आप बुक कर सकते हैं। तो पेटीएम से भी बुक कर सकते हैं सिंपली। तो इन तीन चार ऐप से आप बुक कर सकते हैं। मैं सिंपली कोविन से बुक कर रहा हूँ और आपके लिए बता रहा हूँ कि कैसे बुक करते हैं। तो कोविन से बता रहा हूँ। तो देखिए, आपको गूगल पे टाइप करना है कोविन, COWIN, ठीक है, और उसको एंटर करना है। जैसे ही आप कोविन डालेंगे तो आपको जो फर्स्ट स्टेप नज़र आएगा वो, सॉरी फर्स्ट जो भी आपको साइट दिखेगी वो कोविन की ही दिखेगी, www.covin.gov.in। तो इस साइट पे हम क्लिक करते हैं और देखिए आपका जो मेन डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से है। तो आप ऊपर ही ऊपर देखिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन साइन इन योर सेल्फ लिखा आता है। तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है पहले, तो सिंपली हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो है तो आपको नहीं, नेटवर्क इशू है। तो हमें कुछ भी नहीं करना कि एक अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए कोई भी, और उसके बाद OTP आएगा और सिंपली हम देख, तो ये हमारा खुल चुका है और हमने पहले किया हुआ है, तो इसलिए हमने आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा इसमें एंड इसके बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। तो 3 मिनट मिलता है, तो आप देखिए आपके OTP आ गया होगा। कुछ समय लग सकता है नेटवर्क इशू के होने के कारण। तो सिंपली मेरा आ गया है तो मैं डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने OTP डाला तो ये मेरा डैशबोर्ड है पहले का। तो मैंने पहले भी कुछ वैक्सीन बुक किए हैं, डोज लगवाई हैं, तो ये इस तरीके से दो लोगों का मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पहले ही ऑलरेडी। तो सिंपली आप जैसे ही अपने फ़ोन नंबर डालते हैं और उसके बाद आप OTP डालते हैं तो आप कुछ इस तरीके से नहीं खुलेगा। क्योंकि मान लो आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप फर्स्ट बार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ऐड दिखेगा, ठीक है। इस ऐड बटन पे जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ स्लाइड्स वगैरह आएंगी। तो आपको क्या देखना है यार, तो सॉरी अदर अनेसेसरी इंटरेक्शन। तो एंड फोटो आईडी आपको सेलेक्ट करनी है। ये आपको अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, ये चीज़ आपको देखनी है। तो आप अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करिए क्योंकि सभी लोगों के पास मेनली आधार कार्ड होता है। एंड उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड पे नेम है वो डालना है। तो एंड इसके बाद आपको जो अपना जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना, ईयर डालना है केवल, जैसे आपका 2001 है, मतलब 2001, 2003 जो भी है आप डाल के ऐड कर देना। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका क्या पेज ओपन होगा वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी और वो रेफरेंस आईडी कुछ इस तरीके से है।
और ये आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, देन तुरंत ही मैसेज आएगा एंड आप सिंपली रजिस्टर हो चुके हैं कोविन से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, आपको सेकंड स्टेप यहाँ देखिए कि डोज वन एंड अपॉइंटमेंट नोट शेड्यूल। अभी आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद सिंपली डोज लग जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट ही दिखेगा, तो मैं ये सर्टिफिकेट दिखा दूंगा आपको। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अभी सेकंड स्टेप का आगे लेते हैं, और सेकंड स्टेप में हम वैक्सीन को बुक कैसे करें वो देख रहे हैं, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि वैक्सीन जल्दी कैसे बुक करें इसी में देख लेंगे। तो जैसे ही आपको ये डैशबोर्ड हो जाएगा रजिस्टर करने के बाद, तो आपको शेड्यूल नाउ पे जाना है। शेड्यूल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये वाला पेज ओपन होगा, बुक अपॉइंटमेंट फॉर डोज वन, ठीक है। अब जैसे ही आपको यहाँ पेज ओपन में आपको दो चीज़ दिख रही है, मैं एक सर्च बाय पिन, एक सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। ये चीज़ क्या है कि इन चीज़ों को आपको समझना है, ये जैसे ही आप सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट करते हो आपको सेलेक्ट स्टेट एंड सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उसके लिए आपको पूछा जाता है कि आप कौन से हॉस्पिटल के लिए बुक कर रहे हैं। तो आप मैन अपना डिस्ट्रिक्ट का पिन नंबर याद करके रखिए, अगर नहीं पता तो आप सेलेक्ट स्टेट करके, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करके एंड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे याद है, मैं सिंपली टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा और अपना पिन नंबर डाल दूँगा। मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि बताने में कुछ नहीं जाता, तो मैं सिंपली आपको एक मिनट में बता दूँगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपका सर्च करते ही आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल खुल जाएंगे, और ये आपको जहाँ पे कोवैक्सीन लग रही है वो कोवैक्सीन आ जाएगा, जहाँ पे कोविशील्ड लग रही है कोविशील्ड आ जाएगा। तो ये सब मिक्स होके आ रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम टाइमिंग को बचाएं। हमारा काम है टाइमिंग को बचाना और वैक्सीन बुक करना जल्दी से जल्दी। तो टाइमिंग बचाना क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टाइमिंग बचाना है कि क्योंकि वैक्सीन बहुत जल्दी बुक हो जाता है, तो सबसे कम टाइम में कैसे बुक करें वो मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। तो आप सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट से करोगे तो भी यही बात है, क्योंकि सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मेरा राजस्थान है तो मैं सिंपली मेरा स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही सेलेक्ट किया उसके बाद मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद सर्च करता हूँ, देन ये देखो आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हैं ये सारे अस्पताल जहाँ पे वैक्सीन लग रही है वो सब आ जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे ये ग्रीन येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल, इन तीनों का आपको सिंपली बता देता हूँ। ये रेड का मतलब है कि बुक हो चुका है, मत छेड़िए उसको, और ग्रीन सिग्नल दिखे उसको तुरंत क्लिक करना है और हमें बुक लेना है। बुक आप कैसे करें वो भी बता रहा हूँ अभी। तो ये सिंपली कोविडशील्ड का है, तो कोविडशील्ड एज 45 के लिए, हम एज 18 के लिए करेंगे। तो जैसे देखिए एज 45 के लिए अभी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो भी हैं वो सारे आ रहे हैं इसमें, तो अभी हम एज 45 के लिए नहीं कर रहे। एंड हमको करना है एज 18 प्लस के लिए। ये देखो ग्रीन सिग्नल आ चुका है कोविडशील्ड के लिए, और ये मेनली है 45 के लिए। तो 45 का आप सिंपली वैसे भी हो जाता है, बुक करना ज़रूरी नहीं है, आप CSC में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके लगवा सकते। कुछ अस्पतालों में जाके बुक करना भी पड़ता है, कुछ अस्पतालों में आधार कार्ड से बुक हो जाता है। अब तो मैं नकी आपको बुक करना है तो सिंपली आप एज 45 के लिए भी बुक कर सकते हैं और अपना टाइमिंग को बचा सकते हैं। एंड मैं 18 प्लस के लिए ढूंढ रहा हूँ कि 18 प्लस के लिए भी आया नहीं है, तो खुला भी नहीं है पोर्टल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही हम 18 प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारा 18 प्लस का ये हमें बुक यूज करना है। एक तो हमें सर्च बाय पिन से क्लिक करना है, ये हमारा टाइम को बचाता है, और सर्च कर देना है जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का पिन है वो डाल कर सर्च करना है। एंड देन हमको फिल्टर यूज करना है, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो भी अस्पताल होंगे 18 प्लस के वो आ जाएंगे, ठीक है, और हमें तुरंत ग्रीन सिग्नल दिखेगा, हम तुरंत क्लिक करके बुक ले सकते हैं। जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल नज़र आए, ये 20 का है, मैं 20 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के टाइम, एंड ये 21 का आपको बुक करना है, जैसे इस अस्पताल में भी बुक हो चुका है। जैसे अब ये वाला अकबरपुर टू मालाघेरा वाला ये जो CSC है
ये हमें बुक करना है, तो अभी 21 का हुआ नहीं है, इसका सुबह का टाइमिंग है मुझे पता है, तो बहुत से अस्पतालों का अलग अलग टाइमिंग है, तो बस मेन जो टाइमिंग मैंने देखा है सबको मिक्स कर, मैंने जितनी भी रिसर्च की है उस पर वैक्सीन के लिए, तो मैंने पाया है कि 8:30 से शाम को और 9 बजे तक, ये आधे घंटे के बीच में वैक्सीन बुक होता है, एंड सुबह 8:30 से 9 बजे तक, ये आधे घंटे के बीच में, दोनों सुबह 8:30 से 9 एंड शाम को 8:30 से 9, इन दोनों के बीच में वैक्सीन बुक होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली बस जैसे ग्रीन सिग्नल आए उस पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आपको जो भी ऊपर दिखेगा वो है टाइमिंग स्लॉट। टाइमिंग स्लॉट जैसे ही हम अधिकतर लोग करते हैं सुबह का लेते हैं, तो हमें जल्दी सी सुबह का नहीं लेना, ये गलती मत करना, क्योंकि उसके बाद सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत से लोग सुबह का लेते हैं इसलिए सर्वर डाउन पड़ जाता है। तो आप टाइमिंग स्लॉट दोपहर का रखिए, और उसको टाइमिंग स्लॉट को सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे कैप्चा नज़र आएगा, कैप्चे को फिल कर, जो भी कैप्चे में लिखा है ABCD कुछ भी, तो उसको फिल करके और आपको सिंपली सबमिट कर देना है, एंड सबमिट करने के बाद जैसे ही आप मतलब सबमिट जैसे ही कर दोगे आपका अपॉइंटमेंट हो चुका होगा, आपको कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आपका बुक हो गया है फर्स्ट डोज, और आप जाइए अस्पताल में जाकर लगवाइए। ठीक है, ये तो रहा कि वैक्सीन कैसे बुक करें। अब मैंने आप लोग बोलेंगे कि मैंने बुक नहीं किया, तो मैं आपको एक छोटा सा बुक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर ग्रीन सिग्नल नहीं है, नहीं मैं बुक करके दिखा देता। तो ये देखिए मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ एक स्क्रीनशॉट, देखिए ये एक अपॉइंटमेंट है जो मैंने लिया था 16 तारीख को, एंड टाइमिंग ये आप 9:30 से 3 बजे का है, तो ये सिंपली आप वहाँ जाके लगवा सकते हैं, वैसे 9 से 6 का रहता है, तो आपके अनुसार इसमें टाइमिंग 9 से 6 तक लगवा सकते हैं, तो टाइमिंग जो बुक स्लॉट रहती हैं वो उसके अनुसार दिया जाता है, तो यहाँ 9:30 से 3 बजे तक का है, और ये मेरा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, तो उसमें जाके ये टाइमिंग है, मेरे CSC में 9 से 6 का टाइमिंग है, और यहाँ पे जो प्रेफरेंस टाइमिंग लिया हुआ है 10:30 से 11:30। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रेफरेंस टाइमिंग जाना है, नहीं आप जो ये टाइमिंग दिखा है 9:30 से 3 बजे तक, तो इस टाइमिंग में आप जाके कभी भी लगवा सकते हैं, बट अगले दिन मत जाना प्लीज़, अगले दिन जाओगे आपका ये अपॉइंटमेंट कैंसिल माना जाएगा, और आप वैक्सीन के लिए दोबारा बुक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप जो डेट आपको मिली है उसी डेट पे जाके इस टाइमिंग के बीच में जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो सिंपली ये मैंने एक अपॉइंटमेंट दिखाया है कि आपको जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिखे उस पर क्लिक करके टाइमिंग स्लॉट लेना है, उसके बाद कैप्चा फिल करना है, उसके बाद उसको सबमिट कर देना है, और उसके बाद तुरंत ये अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे ये, और मैं आपको 3 चीज़ और बता देता हूँ। ये तो था कि बुक हो गया हमारा, और अगर बुक नहीं होता और हम बार बार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका था पहले, तो मैंने अब इस पर बहुत सारी रिसर्च की करके ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए कि आप सबसे पहले आपको पिन नंबर डालना है, ये आपका टाइमिंग बचाएगा, उसके बाद ये फिल्टर यूज करने, ये फिल्टर क्योंकि आपको जैसे 18 प्लस का लगाना है तो 18 प्लस का सिंपली क्लिक करो, अगर 18 प्लस का नहीं लगवाना आपको एज 45 का लगवाना, तो एज 45 पे क्लिक करो, और जल्दी से जो भी आपके नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ यहाँ पे दिख जाएगा, जिसमें भी बुक हो रहा हो, अगर यहाँ पे अभी इस टाइम पे नहीं है तो जिसमें बुक हो रहा हो आप ले सकते हैं 18 प्लस का, और बहुत से अस्पताल में जाके आधार कार्ड सिंपली वहाँ पे ही लग जाता है 18 प्लस, वो 45 के लिए, तो 45 वालों के लिए बहुत सी जगह बुक भी हो रहा है, बहुत सी जगह लग भी रहा है, तो आप वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं, लगा देंगे, हमारे तो यहाँ बुक नहीं हो रहा तो CSC में जाके लगा देते हैं, और आप बुक करके भी जाएंगे तो भी लगा देंगे, क्योंकि उनका काम है 45 प्लस वालों का आधार कार्ड नंबर लेके जाना है, आपको 18 प्लस में भी आधार कार्ड लेके जाना है। और ये देखिए आप कोविडशील्ड देखिए, कोविडशील्ड के लिए ट्रैक करना है, तो आपको 18 प्लस के लिए ट्राई करना है तो कोविडशील्ड डाल के, और ये फिल्टर यूज करना है तो आपको आ जाएगा। कोवैक्सीन के लिए आपको डालना है तो कोवैक्सीन कोविडशील्ड हटा दीजिए, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो कोविडशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है, सिंपली मैं इनके भी बता दूंगा क्या डिफरेंस है थोड़ा। और ये पेड पेड वाला है कि आपको पैसे देना है तब लगवाना है, तो अभी कुछ अस्पतालों में देख ऐसे कर रहे हैं बट अभी नज़र नहीं आ रहा। एंड इसमें देखिए फ्री में, सभी गवर्नमेंट अस्पतालों में फ्री है, तो फ्री वाला आप यूज मत करो, ये तो सिंपली आ जाएगा। बस आप जो भी फर्स्ट आपको पिन नंबर यूज करना है, सेकंड फिल्टर यूज करना है, और थर्ड जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है टाइमिंग स्लॉट।
तो आपको किस टाइमिंग में वैक्सीन बुक करना है, सबसे पहले ही देखिए कि आपका जो CSC का टाइम है आप पता कर सकते हैं वहाँ पे। जा नहीं सकते तो कॉल करके पूछ लीजिए कि वहाँ पे भाई किस टाइम पे स्लॉट बुक होता है, तो वो लोग बता देंगे आपको। सिंपली नहीं बता दे तो आपको मैंने बता दिया है शाम को 8:30 से 9 बजे तक और सुबह 8:30 से 9 बजे तक। इस आधे घंटे के बीच में आप एक्टिव रहिए और सिंपली आपको जो काम करना है वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट आपको काम करना है कि आपका फ़ोन नंबर डाल के और OTP जो आपका आता है उसको डाल के आपका डैशबोर्ड खोल के और शेड्यूल नाउ पे क्लिक करने के बाद जो अब ये बुक अपॉइंटमेंट फॉर डोज 1 के लिए इसको खोल के रखना है। इस पेज को आपको 8:30 बजे से पहले खोल के रखना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको अपना एंटर योर पिन करना है एंड और अपना फिल्टर यूज करना है 18+ के लिए और देन सर्च। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा कि ग्रीन सिग्नल किस डेट पे है। अभी जिस डेट पे ग्रीन सिग्नल है नहीं आ रहा, नहीं मैं बुक कर देता, तो सिंपली यहाँ पे सब पे बुक हो चुका है तो ये रेड सिग्नल है, इसको बिल्कुल टच मत करिए। आपको किस का बुक करना है तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आएगा और हमारे ये CSC है तो यहाँ पे 9:30 बजे का है। तो कुछ अस्पतालों मैंने बात की है इसलिए मुझे बताया गया कि 2-3 दिन से टाइमिंग बढ़ा दिया है तो 9:30 से 10 कर दिया। अब आप मैन बात ये चलिए मान के चलिए कि 8:30 से 10 आपको शाम को 8:30 से 10 सुबह 10 तो आपका CSC में आप एक बार कॉल करके पूछो कि सुबह के टाइम खोलते हैं शाम को टाइम, क्यों आप परेशान हो गए इसके बीच में। तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, आप कॉल करके पूछो। और या आपके पास अगर टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में मैं आपको बता देता हूँ, आप टेलीग्राम में सर्च करिए अंडर 45 है ना यू एंड 45 लिख कर उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपकी डाल दो और उसके बाद देन सर्च एंड देन आपको पता लग जाएगा, आपके ग्रुप आ जाएंगे वहाँ पे, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप ले लेना, वहाँ पे टाइमिंग स्लॉट आ जाता है। तो आप व्हाट्सएप किसी भी व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जुड़ सकते हो जहाँ पे आपका टाइमिंग स्लॉट देते हैं। एंड एक अगर आप डिस्ट्रिक्ट में एक सर्कल ऐप है, सर्कल ऐप से भी आपको पता लग सकता है। और सेकेंडली आपका आप अपने CSC में कॉल करके पूछ सकते हो, ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे बता देते हैं कि सुबह के टाइम खोलते हैं वो लोग, शाम के टाइम खोलते हैं, बट मेनली जो खोलते हैं 8:30 से 10 शाम को और सुबह 8:30 से 10। इस बीच में आप ये पेज ओपन करके रहिए और एंटर पिन नंबर करके सर्च करते रहिए। आपको जैसे ही ग्रीन सिग्नल नज़र आया उस पर क्लिक करना है, टाइमिंग स्लॉट देखना है, कैप्चा फिल करना है और बस सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट नहीं हो रहा, 2-3 बार सबमिट करते रहिए, हो जाएगा। सबमिट होते ही आपका वैक्सीन बुक हो चुका है। आपको 2-3 लोगों को करना है तो आप सिंपली 2-3 फोनों में खोल के रखिए इस पेज को और सिंपली आप बुक कर सकते हैं। तो ये तो रहा कि वैक्सीन कैसे बुक करें, और मैं आपको जो सर्टिफिकेट दिखाने वाला था वो अभी आपको दिखा देता हूँ। वैसे जनरली दिखा नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मैंने किया हुआ था पहले, तो मैं उसका सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। सॉरी ये दोबारा OTP ले रहा है, तो मैं OTP पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि टाइमिंग मैंने ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो सिंपली इसको अब ऑफ करेंगे। बस मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, मैंने शायद डाउनलोड किया हुआ होगा पहले से, तो जस्ट एक सेकंड। ये देखिए आप लोग सर्टिफिकेट को देख सकते हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से जब आपके डोज लग जाएगी उसके 24 घंटे में एक सर्टिफिकेट आ जाता है आपकी डैशबोर्ड पर, जब वो फोन नंबर खोलते हैं आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस डैशबोर्ड पर। तो सिंपली वहाँ पे आप मैंने दिखाया था वो सर्टिफिकेट, आपको उस पर क्लिक करके डाउनलोड हो जाता है। और ये देखिए आपका नेम वगैरह जो भी है आपको आ जाता है, कब आपने अगली आपकी नियत तिथि क्या है वैक्सीन लगवाने की, टीका लगवाने का नाम, लगवाने वाले का नाम क्या है, जो लगाने वाला सॉरी लगवाने लगाने वाले जो भी है आपके जो भी हैं, और टीकाकरण का स्थान जो भी है, ये आपको एक QR कोड मिल जाता है सिंपली। तो ये सब कुछ है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको इस वीडियो में क्या कमी नज़र आई, ताकि मैं कोई और वीडियो बनाऊँ किसी भी एक्सपेरिमेंटल, अब जो भी
ये नॉलेज है, प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को ताकि बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल सके और वैक्सीन बुक कर सकें। तो थैंक यू एवरीवन दिस वीडियो वाचिंग टू सॉरी।